हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विथ यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो पाइथन कलेक्शन डेटा टाइप जो सेट था उसका कंटिन्यू वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कि पाइथन के जो सेट्स के जो आइटम्स क्रिएट करते हैं उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, कौन कौन से वे में एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फाइल क्रिएट किया पाइथन सेट पार्ट टू, ठीक है। तो एक मैं इसमें एक सेट क्रिएट करता हूँ, सेट वन इज इक्वल टू, और सेट वन को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स डिक्लेयर कर देता हूँ उसके, एप्पल्स मैंगो एंड बनाना, ठीक है। ये कुछ मैंने वैल्यूज इसको असाइन कर दिए सेट वन को। अभी कैसा होता है कि सेट वन जो होता है ना, जब भी हम लोग सेट क्रिएट करते हैं अगर उसके वैल्यू को एक्सेस करना रहेगा तो हम लोग इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग लिस्ट में क्या यूज करते हैं, स्क्वायर, हम लोग जो भी हम लोग एक इंडेक्स पोजीशन पास कर देंगे और उसके बेसिस पे हम लोग उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट में हो गया, टपल्स में भी हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं पोजीशन के बेसिस पे, बट सेट में क्या होता है कि वो इंडेक्स के बेसिस पे उसके आइटम्स को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे या फिर हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि मैंने ऑपरेटर के चैप्टर्स में कवर कर लिया है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि हमें अगर चेक करना है कि कोई आइटम से कोई वैल्यू अगर उस रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है कि नहीं, और उसके बेसिस पे अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे तो उस केस में हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी सेट वन में हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो अगर हमें कुछ चेक करना रहेगा, सपोज फोर एक्स इन सेट वन एक्स, तो इससे क्या जाएगा, जो भी हमारा सेट वन के आइटम्स रहेंगे उसको वन बाय वन इटरेट करेगा और उसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे, ठीक है। कोड को हम लोग रन कर लेते हैं, देखो यहाँ पे बनाना एप्पल एंड मैंगो यहाँ पे आ चुका। अभी हमें क्या करना है कि हमें कुछ चेक करना है कि हाँ भाई अगर कुछ वैल्यू इसमें प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करो, या फिर ट्रू फॉल्स के बेसिस पे उसका ऑप्शन कुछ परफॉर्म करना है यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं एक चेक करता हूँ, जैसे मुझे चेक करना है कि हाँ भाई इसमें चेक करो कि इसमें कुछ ए बी सी है कि नहीं। ऐसे अगर जैसे मैंने एप्पल्स क्रिएट किया, मैंगो क्रिएट किया, बनाना क्रिएट किया, वैसे अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, बनाना ना ऐसे डाल देता हूँ, मुझे चेक करना है कि मुझे ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये क्या कैसे चेक करेंगे हम लोग, पहले हम लोग डालेंगे उस वैल्यूज को जो वैल्यू हमें चेक करना है, देन इन एंड उसका वेरिएबल नेम, किस वेरिएबल में और किस ऑब्जेक्ट में चेक करना है वो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ये इसमें प्रेजेंट रहेगा तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ दोनों का, ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है। तो कोड को हम लोग रन कर देते हैं, यहाँ पे फॉल्स आया ट्रू आया, मीन्स ये जो स्पेलिंग था जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था वैल्यूज को, ये वैल्यू जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और ये वाला जो वैल्यू है बनाना ये वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि वो हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाइथन के सेट्स के ऊपर एक आइटम्स को एक्सेस करने का तरीका। अभी हम लोग पाइथन बेसिकली सेट होता है वो अनचेंजेबल होता है, मतलब हम लोग उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक बार हम लोग क्रिएट कर दिए तो वो हम लोग उसको जो वैल्यूज रहेगा उस वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। और ये चीज़ एक चीज़ और है इसमें कि पाइथन में जो सेट होता है वो क्या डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, मतलब अगर मैं मल्टीपल टाइम्स एप्पल स्टोर करूंगा तो वो सिंगल टाइम ही वैल्यू लेगा, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। तो अगर हमें आइटम्स को चेंज करना रहेगा तो इसके अंदर एक मेथड होता है ऐड करके, हम लोग आइटम्स को ऐड कर सकते हैं बट वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर सेट वन में मुझे ऐड करना रहेगा कीवी करके, तो सेट वन डॉट एड मेथड यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, एड मेथड यहाँ पे पास कर देंगे और जो वैल्यू हमें ऐड करना रहेगा वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे वैल्यूज में दे देंगे। अब इस चीज को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट सेट वन, ठीक है, कोड को रन करते हैं, देखो यहाँ पे कीवी आ गया। अब ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो एप्पल्स मैंगो एंड बनाना
सेम ऑर्डर में यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, वो रैंडमली कुछ भी ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइव एग्जांपल हम देख रहे हैं कि मैंगो यहाँ पे फर्स्ट आ गया, बट हमारे मैंगो क्या है, सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आइटम्स को ऐड करने का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो पाइथन के सेट्स के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसमें हम देखने वाले हैं कि और भी कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड है और कौन कौन से सिनेरियोज है सेट के ऊपर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में या फिर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।